अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो बस मैं आ चुकी हूँ अपने 13वें रोज़े का एक छोटा सा व्लॉग लेकर आप लोगों के लिए, और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। तो आज मेरे दस्तरखान पर क्या क्या लगने वाला है इफ्तार स्पेशल, उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। तो यहाँ था असर के बाद का वक्त, और यहाँ मैं किचन में आई तो मैंने देखा कि भाभी बना रही थी पालक के पकौड़े और बना रही थी साथ ही साथ आलू के पकौड़े। आज पालक के पकौड़े खाने का सबका मन था, तो भाभी ने बड़े क्रिस्पी से टेस्टी से पालक के पकौड़े रेडी किए। आलू के पकौड़े भी बन चुके थे। बस इफ्तार तक एक एक करके सारी तैयारियाँ चलती रहती हैं, जैसा कि सभी जानते हैं, क्योंकि रोज़े में हमारा काफ़ी मन करता है कभी कुछ खाने का। तो बस मैं ऐसी कोशिश करती हूँ, मैं और भाभी मिलकर सब इफ्तार का जो सामान होता है वो रेडी कर लेते हैं। कुछ चीज़ें वो बनाते हैं, कुछ चीज़ें मैं बनाती हूँ, इसी तरीके से हमारा दस्तरखान लग जाता है। तो यहाँ फ्रूट्स की कटिंग हो चुकी थी पूरी, और ये मस्जिद की थाली रेडी हो चुकी है जाने के लिए। साथ ही साथ मैं दिखा देती हूँ आज क्या क्या है मेरे घर में इफ्तार के लिए। तो ये जो पकौड़े भाभी ने रेडी किए थे वो थे, और ये पनीर के पकौड़े और समोसे भाई बाहर से लेकर आए थे। और बस दस्तरखान भी देख लेते हैं आज क्या क्या लगा हुआ है। मेरे दस्तरखान पर जो पापड़ी चाट है वो आज की स्पेशल है, क्योंकि इसकी रेसिपी मैंने शूट की है और वो कल होगी अपलोड। तो आप लोग इस रेसिपी के लिए कल मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट करें और इस पापड़ी चाट की रेसिपी ज़रूर देखें, बहुत मज़ेदार बनेगी। आप खाएंगे तो आप इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो इफ्तार हुआ पूरा, यहाँ बर्तन भी मैंने धो दिए थे अच्छे से, सारी चीज़ों को क्लीन कर दिया। अब मैंने देखा भाभी बना रही थी चिकन स्ट्यू डिनर के लिए। तो बस ये व्लॉग होता है यहाँ पर पूरा। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर फॉलो और सब्सक्राइब करें। अब कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।